महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी के अंदर से पहली विरोध की आवाज उठी है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को चौंकाने वाला बयान दिया। पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ भाजपा आगे बढ़ी, क्योंकि जनता को न केवल एक स्पष्ट संदेश देना था बल्कि सरकार को स्थिरता भी सुनिश्चित करनी थी। पाटिल का ये बयान भाजपा के भीतर आक्रोश या विरोध की पहली चिंगारी के रूप में कहा जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल शनिवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को स्थिर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मन पर पत्थर रखकर हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। हमने ये दुख बचाया और आनंद के साथ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनता देख मैं और अन्य बीजेपी नेता दुखी थे, लेकिन हम लोगों ने अपने दुख को काबू में कर लिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें महाराष्ट्र के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना था। नेता देने की आवश्यकता होती कि त्याच्यातून योग्य मेसेज देईल, त्याच्यातून जे काही करतो त्याला स्थिरता येईल आणि त्यामुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून आपण सगळ्यांनी आणि प्रमुख्याने माननीय देवेंद्रजींनी आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय केला की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते। दुःख झालं आपल्याला, परंतु त्या दुःख पासून आपण सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एकदा आनंदाने हा सगळा गाडा चालवण्यासाठी पुढे गेलो। बता दें कि बीते 30 जून को शिवसेना के बागी हुए एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की घटना ने सबको चौंका दिया था। शपथ ग्रहण के 22 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। शुक्रवार को दोनों के दिल्ली दौरे के बाद शीर्ष भाजपा नेतृत्व मंत्रियों की सूची को मंजूरी दे सकता है। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है।